नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है। बहुत समय से जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, रोड महासभा और रोड एम्प्लॉई एसोसिएशन ने, जिसके लिए जो हमारे बच्चों की शिक्षा है, और ये एक बहुत पुरानी मांग थी कि कहीं ना कहीं एक ई लाइब्रेरी की स्थापना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सारी की सारी शिक्षा है वो आजकल इंटरनेट पे और इसी पर उपलब्ध है। तो बच्चों को इतिहास पढ़ना है, उनको अपनी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी तरह की भी मदद चाहिए, इसी के लिए एक स्थापना आज यहाँ पर की गई है। और जो ग्रांट 11 लाख रुपए श्री संजय भाटिया जी और 21 लाख रुपए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सपुत्र श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की थी, वो कहीं ना कहीं आ गई है। और ये आप प्रांगण देख रहे हैं, इसकी आज यहाँ पर शुरुआत की गई, भूमि पूजन किया गया और नींवें भी जल्दी यहाँ पर खुद जाएंगी। आप देख सकते हैं, जो हमारी धर्मशाला के पीछे एक ग्राउंड था, खाली ग्राउंड था, वहाँ पर बहुत जल्दी इस ई लाइब्रेरी की स्थापना हो जाएगी। हम सबको, आप सबको और कार्यकारिणी को, सभी लोगों को बधाई देते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या हुआ। प्रधान जी, आज ये किस उपलक्ष्य में और कैसे हुआ ये, जो आज एकदम से अचानक से यहाँ पर ये भूमि पूजन किया गया जी? कि रोड महासभा करनाल का प्रांगण में जो हमारा पिछला हिस्सा जहाँ पे ऑफिस बना हुआ है उसके साथ एक लाइब्रेरी बनाने की एक योजना रोड एम्प्लॉयज द्वारा बनाई गई थी, और पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे। 21 लाख रुपए वो देकर गए, और संजय भाटिया जी, हम शेष तौर पर दोनों सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनका उद्देश्य है भी एक ऐसी ई लाइब्रेरी बनाई जाए जो हमारे बच्चे हैं, हम देखते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर भी हैं, तो इसी उद्देश्य को बच्चों को जो भावनाएं हैं उसको लिए ई लाइब्रेरी की बहुत सख्त जरूरत है। और साथ साथ में मेडिकल, कई संस्था हमारे समाज की भी, दूसरे समाज की भी, इस तरह की संस्था ने एक चलाई हुई है कि लोगों की स्वास्थ्य के लिए टेस्ट कम से कम रेट पे, क्यों इसके आसपास अपना PGI भी है, कल्पना चावला मेडिकल है, काफ़ी हॉस्पिटल हैं, लोगों को महंगे ना पड़े इसलिए सस्ते रेट पर पे यहाँ पे लोगों की सुविधा दी जाए। 3 मंजिला जो भवन बनेगा उसमें 2 मंजिलों में लाइब्रेरी बनेगी, 1 मंजिल में लोगों की सुविधा के लिए एक में अपना लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। आज उस उद्देश्य के लिए इसका मुहूर्त किया गया, और ख़ास करके मैं रोड एम्प्लॉयज का धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने इस तरफ अपना कदम बढ़ाया और सारा समाज मिल करके इस लाइब्रेरी का एक सहयोग लेगा। इसी आस्था के साथ हम आगे बढ़ने के चाह रहे हैं, धन्यवाद। तो ये ग्रांट आई है जी, ये ई लाइब्रेरी के लिए आई है या लेबोरेटरी के लिए आई है? देखो, ग्रांट जो आती है ना, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन के लिए आती है। अभी उसका उद्देश्य क्या आप लोगों का, ठीक है, कोई भी हो उसमें क्या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, लेकिन हमने जो संजय भाटी ने जो ग्रांट दिया है वो ई लाइब्रेरी के लिए है, ठीक है। उसमें सिर्फ लेंटर ही पड़ेगा जी, 11 लाख हमें होनी है, अभी पूरी वो तैयार हो जाएगी। जितने हमने ये रखा है ना, 24x60 का, इसमें सिर्फ लेंटर डलेगा, बाकी खर्चा संस्था खर्च करेगी। इसमें हो गए पाल सीलिंग होगी, दरवाजे हो गए, उसमें किताबें, दूसरी रैक, लेबोरेटरी का सामान, तो इसलिए ये तो प्लान के अंदर आएगा भाई। जो 3 मंजिला भवन बनेगा और उसमें भी रोड महासभा का भी बराबर में सहयोग रहेगा, क्यों 32 लाख में पूरी कंप्लीट नहीं बन सकती। जो इसकी MB बनेगी ना, उसकी MB के हिसाब से देखा जाए तो नीचे नीचे का हाल का 14 लाख का एस्टिमेट है, तो 10 लाख 11 लाख तो ग्रांट है, 3 लाख तब तो रोड महासभा में लगाएगी। उसमें ये प्लान है समाज का, इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को। तो जो ई लाइब्रेरी बन रही है, इसमें बच्चे यहाँ पर आएंगे, अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को जब ये तैयार हो जाती है तो इसका फायदा उठाना चाहिए जी? बहुत आधुनिक लाइब्रेरी बनाएंगे इसको जी। और समाज के लोग पहले भी हमारे दिल्ली से हैं गुरदयाल सिंह जी, वो 150 की किताब आसपास देखा गए, हर एक घर के अंदर इतने बुक्स पड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको यूज करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। तो जब हम इसके लिए अपील करेंगे लोगों की, यहाँ तो हजारों में बुक आपके पास उपलब्ध होंगी, और नेट के जरिए है, तो आप ई लाइब्रेरी का मतलब यही है, सर्च करके जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो बड़े अच्छे माहौल में ये सुविधा देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रधान जी। सूरजबान जी क्या कहना चाहोगे जी? आज रोड महासभा, ये रोड भवन है जो करनाल के अंदर, इसके अंदर लाइब्रेरी का जो आधारशिला है वो रखी गई है, उसका मुहूर्त किया गया है, और इस लाइब्रेरी के लिए श्री संजय भाटिया जी जो सांसद करनाल हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए की ग्रांट दी है, और
श्री दीपेंद्र जी हैं, उन्होंने भी 21 लाख रुपए की ग्रांट लाइब्रेरी के लिए रोड भवन को दी है, तो उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइब्रेरी से और जो ये भवन बनेगा, इससे जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि बच्चों को एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर एकांत में शांत जगह पर बैठ के पढ़ सकें, तो उन बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। और इसी तरह से जो हेल्थ की सुविधा है, वो भी लेबोरेटरी है, वो भी तैयार की जाएगी रोड महासभा और रोड एम्प्लॉयज एसोसिएशन दोनों के सहयोग से, तो ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो इसमें बैठ के पढ़ सकें। तो एक तरह से मतलब योगदान समाज के उत्थान के बहुत बड़ा योगदान होगा इसका, और इसके लिए ये लगभग 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी लगभग। धन्यवाद अंशुल जी। ये किन के प्रयासों से ये संभव हो पाया, कैसे कैसे प्रयास किए इस बारे में? देखिए, रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से ये शुरुआत की गई थी, और इसमें रोड महासभा ने भी पूर्ण रूप से उनका साथ दिया, तो उसके बाद सभी लोग मिलकर आपस में दोनों एसोसिएशन मिलकर अपनी संजय भाटिया जी से मिले, उन्होंने भी इसके लिए 11 लाख की मदद करी, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी 21 लाख की मदद की, तो ऐसे करके सभी के योगदान से ये काम हो रहा है, और हम तो चाहते हैं कि ये काम बड़े जल्दी से हो, तो क्योंकि बहुत अच्छा काम है, इसमें किताबें भी रखी जाएगी, और ताकि जो हमारा आज का युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, जिसको हमारे समाज के पिछले इतिहास के बारे में नहीं पता है, या हमारे जो समाज में खिलाड़ी रहे हैं या अच्छे नेता रहे हैं, जो भी समाज के लोग रहे हैं उनके बारे में नहीं पता है, उनके बारे में भी जानकारी ले सके और पढ़ सके, तो हम तो चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो, और ये बहुत अच्छा कार्य है, हम तो पूरे समाज को इसके लिए बधाई देते हैं, और रोड महासभा और रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन के दोनों को इसके समाज पूरा समाज बधाई देता है कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद राम निवास जी, आज इस खुशी के मौके पे क्या कहना चाहोगे? बड़े ही हर्ष का विषय है, आज रोड महासभा के प्रांगण में हमारे रोड महासभा के प्रेसिडेंट श्री नसीब सिंह जी व रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सूरजवान जी के कर कमलों से ई लाइब्रेरी व लेबोरेटरी का के भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे लोकसभा सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी ने 11 लाख रुपए का अनुदान इसमें दिया था रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन को, और 21 लाख का हमारे राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा ने जो दिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। कैसे प्रयास हुए जी, और ये मतलब इतनी जल्दी आपके प्रयास रंग लाए, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो बधाई रोड महासभा और रोड एम्प्लॉयज एसोसिएशन को, ये जो रोड धर्मशाला करनाल में आज ई लाइब्रेरी और लेबोरेटरी को दोनों को स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, ये भविष्य में हमारे समाज के लिए बहुत ही नीम का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कोई भी समाज शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक सही रहेगा वो समाज उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, तो ये हमारे लिए एक मंदिर का काम करेगा, और इसका प्रयास तो शुरू से करते ही रहे हैं, समय समय अनुसार धर्मशालाओं में लाइब्रेरी की सोच को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, अब ये हमारी जो सोच थी ये पूर्ण होने जा रही है, इसके लिए सभी बधाई, सभी पूरी बरादरी को बधाई है, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न किया जाए और समाज को समर्पित किया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ धर्मवीर सीकरी जी हैं रोड महासभा से, क्या कहना चाहोगे जी? हम तो आज करनाल रोड धर्मशाला में नींव खोदी गई है लाइब्रेरी की, तो हम तो सभी से जब भी आए इसमें सहयोग करें, और सबसे ज़्यादा हम दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 21 लाख रुपए दिए और एमपी साहब ने 11 लाख रुपए दिए। धन्यवाद। देवेंद्र जी, खेलों से जुड़े हुए आप, शिक्षा से भी जुड़े हैं, क्या कम्बिनेशन है ये? खेल और शिक्षा तो एक ही बात है, दोनों रोजगार के लिए है, और खेल से स्वास्थ्य बेहतर होता है, स्वास्थ्य से शिक्षा अच्छी मिलती है, तो कोई भी काम वही देश वही समाज आगे बढ़ता है जिसका स्वास्थ्य बेहतर हो, और आज हमारे लिए पूरे समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक रोड भवन में प्रधान जी नसीब जी के और रोड एम्प्लॉयज के प्रधान ने सूरजवान जी के नेतृत्व में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें समाज के लिए मिलेंगी, और एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी की जो जरूरत थी करनाल के अंदर ई लाइब्रेरी की, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों संस्थाओं के द्वारा। इसमें रोड एम्प्लॉयज ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एमपी साहब ने 11 लाख रुपए का अनुदान दिया था, और उसके बाद रोड महासभा को 21 लाख रुपए का अनुदान दीपेंद्र हुड्डा जी ने दिया था,
वो दोनों ग्रांटों से एक अच्छा भवन यहाँ पर तैयार होगा। बाकी जो कमी रहेगी दोनों संस्थाएं मिलकर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। मेरे से पूर्व प्रधान जी ने विस्तार पूर्वक आपको बताया ही है, और जैसा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझ करनाल में और भी लाइब्रेरी हैं और सभी लाइब्रेरियों में बहुत ज़्यादा रश है, तो और ज़्यादा लाइब्रेरियों की आवश्यकता है करनाल में। बहुत ज़रूरी था ये इस भवन के अंदर लाइब्रेरी बनना। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर स्कूल कॉलेज के जो आके रेस्ट करते हैं धर्मशाला में, अब उनको यहाँ रेस्ट करने की जगह भी मिलेगी और अपने टाइम को यूटिलाइज वो बेहतर वे से कर पाएंगे ई लाइब्रेरी में। ई लाइब्रेरी का जो मतलब है कि जो भी आप दुनिया में जो भी रिसर्च है या जो भी लिटरेचर्स है, जो भी न्यू इन्वेंशंस हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसमें बुक्स की जरूरत नहीं होती, आप नेट पे सर्च करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। ये एक बेहतरीन व्यवस्था रहेगी हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, और बच्चे इसमें बैठ करके अपना करियर डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आज वो पूर्ण होने जा रही है। मैं दोनों संस्थाओं को, रोड महासभा की पूरी कार्यकारिणी को और रोड एम्प्लॉयज की कार्यकारिणी को, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे समाज को बधाई देता हूँ और अपने दोनों सांसद महोदयों को भी वो देता हूँ। धन्यवाद सर। प्रधान जी, अभी जैसे ये 24 दिसंबर गुरु जी का जन्मदिवस आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि ये भी कार्य स्टार्ट हो गया और जो हमारी धर्मशाला है असंदर रोड धर्मशाला, उसका काम भी चल रहा है। आपको लगता है 24 दिसंबर तक कोई ना कोई ऐसी खबर हमें मिलेगी कि ये या वो उसका उद्घाटन 24 दिसंबर तक हो पाएगा गुरु जी के जन्मदिवस? इसका तो उद्घाटन हो ही गया आज, मतलब कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। उधर वैसे प्रयास उस कमेटी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है जी। मुझे लगता है भी वो 24 दिसंबर तक उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि हम एक मिशन लेकर के चल रहे जो बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर है कि पहले उसको तैयार कर लें और बाहर का ग्राउंड तैयार कर लें। गेट आरा वगैरह चार दीवारी ऑलरेडी बन चुकी है, थोड़ा काम चला हुआ, लगता है अभी एक डेढ़ महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। आज इस अवसर पर रोड कर्मचारी संगठन रोड महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, जिन्होंने अपने प्रांगण में जगह दी और आज ई लाइब्रेरी और लेबोरेटरी के लिए यहाँ पर जो भूमि पूजन किया गया है, इसके लिए पूरे समाज बधाई का पत्र है, क्योंकि पुस्तकालय में ही ज्ञान प्राप्त होता है। पुराने समय से भारतवर्ष में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा मिलती रही है, लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है तो आज ई लाइब्रेरी की आवश्यकता बड़ी महसूस की जाती है, और ये समाज में इस आवश्यकता को पूरे करने के लिए आज ये स्थापना की गई है, भूमि पूजन किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसमें सहयोग भी देना चाहिए बढ़ चढ़कर, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि सांसद और दुपेंद्र हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद और करनाल के सांसद श्री संजय भाटिया जी, हम सभी का इनका पूरे महासभा से, समाज की ओर से, कर्मचारी संगठन की ओर से धन्यवाद करते हैं और भविष्य में अपने समाज के लिए कामना करते हैं कि समाज इसमें सहयोग दे और इसको आगे बढ़ाए। बहुत बहुत बधाई। एक बात और पूछना चाहते हैं, जैसे बहुत बार सुनने में आता है कि हमारे जो इतिहास है उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर बुक्स अवेलेबल हो, जहाँ पर बच्चे पढ़ सकें, तो थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानना। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो क्या ये यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी लोगों को? हाँ हाँ जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इतिहास के जो पुरानी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं और उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए, रखा जाए, उसके साथ साथ इस पर विश्लेषण किया जाए, अध्ययन किया जाए और उसको भी यहाँ पर उपलब्ध किया जाए। जो बच्चे इसके विषय में इंटरेस्ट होंगे, इस पर काम करना चाहेंगे, तो उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। ये बेहतरीन रहेगा, समाज को एक इतिहास मिलेगा अपना और जागरूकता आएगी समाज में, और जागरूकता आने से समाज आगे बढ़ता है। ये बहुत बहुत अच्छा विषय है, इस पर भी यहाँ पर स्थान रहेगा। बहुत बहुत बधाई पूरे समाज को इसके लिए, इससे प्रेरणा मिलेगी समाज को आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। करियर काउंसलिंग के बारे में बोलते, कोचिंग के बारे में, ये जो रोड एम्प्लॉयज एसोसिएशन है हमारी मुख्य उद्देश्य लेकर चल रही है, एक तो बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए उनको करियर के बारे में गाइड करना समय समय अनुसार, दूसरा हम जो हमारी संस्था है
इसके जो सदस्य हैं स्कूलों में जाके कैरियर काउंसलिंग का काम जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था उससे बहुत बच्चों को फ़ायदा मिला। उसके बाद हमारे पास समाज से आई भी बड़े बड़े स्कूलों में जो जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जाया जाए, बच्चों को उससे संबंधित कुछ उनको ज्ञान दिया जाए। पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा इस मामले में, जो इतिहास को लेकर आपने प्रश्न किया था, इतिहास हर इंसान का कहीं ना कहीं होता, जो अपने इतिहास को नहीं जानता अपना भविष्य भी नहीं बना पाता। इस इतिहास को खोजने के लिए ये ई लाइब्रेरी एक नीम का पत्थर साबित होगी, क्योंकि हम इस सोच रहे हैं, प्रधान जी से बात हुई थी, जो बच्चा इसके ऊपर अध्ययन करना चाहेगा, रिसर्च करना चाहेगा, उसकी पूरी सहायता की जाएगी एसोसिएशन की तरफ से। और जहाँ से जहाँ से पुख्ता सबूत तथ्यों के साथ हम एक ऐसा अपना इतिहास बना तो नहीं सकेंगे, जो है उसको खोजने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज के सामने पूर्ण तथ्य के रूप में उसको पेश किया जा सके। क्योंकि इस लाइब्रेरी में हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो इंटरनेट से हो, पुरानी किताबों से लेके हैं, हमारे समाज को लेके हमारे बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कोशिश रहेगी वो सभी किताबें यहाँ पे उपलब्ध हो, उनसे कुछ निचोड़ निकाला जाए, कोई कमेटी बने ताकि उसको स्थान मिले, वो आए यहाँ पे काम करे और समाज को अपना इतिहास दे, ये हमारी कोशिश रहेगी लाइब्रेरी के माध्यम से। धन्यवाद। बच्चों को कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। हाँ, जल्द। साथ के साथ हम एक और उद्देश्य है हमारा, हमारे बिरादरी के जो होनहार बच्चे हैं उनको कोचिंग दी जाए ताकि उनको सही गाइडलाइन दे के उनको भविष्य को तराशा जाए। कुछ बच्चे कोचिंग की कमी के कारण या सही गाइडलाइन ना मिलने के कारण अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं या आर्थिक तंगी को लेके, इन दोनों बातों के लेकर इस पर भी काम किया जाएगा ताकि बच्चों को सही दिशा मिल सके। और भविष्य में हमारी एक सोच भी है कि हम अपनी बरादरी का अपने लेवल पर एक ऐसे एग्ज़ाम लें जिसमें से कुछ बच्चे निकल के आएँ जिसको हम आगे UPSC और HPSC वगैरह की अच्छी कोचिंग दिलवा सकें, जुडिशरी की कोचिंग दिलवा सकें। ऐसा भी हमारा काम चला हुआ है, जब इसके ऊपर पूर्ण रूप से काम हो जाएगा तो समाज के सामने ये भी हम लेके आएंगे। मेरा एक और सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा था, मेरे मन में था कहीं नहीं से, कि जैसे हमारी जनसंख्या है, कोई कहता है 10 लाख है, कोई कहता 12 लाख है, एक महानुभाव एक दिन कह रहे थे 1 लाख रह गई है, मतलब कहीं ना कहीं संशय है, कुछ लोग बाहर चले गए, क्या ये रोड एम्प्लॉई एसोसिएशन, रोड महासभा, 2-4 लोगों के साथ मिल के लोगों के सहयोग से क्या एक गणना करा सकती है हमारी, कोई ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है 8-10 लाख लोगों को करना है, हमारे पास फंड भी हैं, फंड भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ ये एक सोच है और इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है कहीं ना कहीं, मतलब जरूरत है हमारी। आपका तो क्वेश्चन जायज है जी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो हर जगह संख्याओं की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारी सरकारें भी किसी न किसी तरीके से ऐसे सर्वे करा रही है अभी, कौन सी बिरादरी किस स्थान पर कितनी संख्या में रहती है। हाँ, उसका एक तथ्यात्मक रिकॉर्ड सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाता। हाँ, तो ये दोनों बातें हमारे समाज के लिए अच्छी भी हैं और कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट भी हो सकता है। एक समाज की संख्या को गिनकर उसके सामने रखना, उसके अनुसार फिर उसके भविष्य को तय करना पॉलिटिकल लेवल पर और दूसरे मामलों में भी, पर हाँ अपने लेवल पे की जा सकती है कोशिश, अच्छी बेहतरीन कोशिश रहेगी। क्योंकि अब समाज हमारा यहाँ हरियाणा से निकलकर, यूपी से निकलकर विदेशों की तरफ चला गया, उस समाज को जोड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में। तो बहुत कामयाब हो सकता है ना, हमारा फोन नंबर हो या जिस तरह की हमारी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करना सब लोगों तक, बहुत सारे लोग कटे हुए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया पे भी जरूरी नहीं है हर आदमी हो, और सोशल मीडिया पे काम किया भी नहीं जा सकता, ये तो एक इंटरनल प्रोसेस है जिसको करना चाहिए। हाँ, इसका हमने 2014-15 में जब ऋषिपाल जी प्रधान हुआ करते थे एक डायरेक्टरी निकाली थी समाज के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेके, उस डायरेक्टरी के बाद वो मैनुअल थी, उस डायरेक्टरी के बाद हमने भी शुरुआत की है, एक परफॉर्मा डाला हुआ है जिसमें हमारे कर्मचारी उसमें अलग अलग से सारे कैटेगराइज किए गए हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, देखते हैं जल्दी वो डाटा पूरा हो जाएगा, उसको भी समाज के सामने लाने का काम किया जाएगा। बाकी अच्छी बात है, समाज के हर वर्ग का पता लगे कौन कहाँ पर कितना कैपेबल है, कौन कहाँ पर कार्य कर रहा है, उसके अनुसार उसकी योजनाएं बना जा सकती है। जब समाज को बनाने वाली संस्थाएं ही के पास ऐसा डाटा नहीं होगा तो फिर समाज में काम कर पाना भी संभव नहीं, जब तक हमारा होमवर्क कम्प्लीट नहीं होगा, तो ऐसा होमवर्क होना चाहिए सामाजिक संस्थाओं के पास। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा सभी रोड एम्प्लॉय एसोसिएशन और रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह जी और यहाँ पर अवेलेबल थे। बड़ी खुशी की बात है, अचानक ये आज समाचार सुनने को मिला, बहुत सारे लोगों को बता भी नहीं पाए, और यहाँ पर आज भूमि पूजन हो गया, नींवें भी के निशान लगा दिए गए, जल्दी
जो एक आपकी बहुत पुरानी मांग थी वो संजय भाटिया जी के प्रयासों से, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ग्रांट आई है नहीं आई, तो आप सब लोगों को ये अब देख चुके हैं आप लोग। और जिस तरह से इतिहास की बातें करते हैं, इतिहास भी अवेलेबल रहेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रहेंगी, तो आप इसमें जितना हो सके कोशिश करें, अपनी तरफ से भी जो हो सके योगदान भी दें। और ये एक बहुत बड़ा खुशी का विषय है हमारे लिए, हर्ष का विषय है, और दीपावली की सबको हार्दिक अग्रिम में शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई पवन ठाकला।